राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध फूली फूली सी खस्ता मूंग दाल की कचौरी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो हमने यहाँ पर लिया है पीली मूंग दाल और इसे हमें अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोक करना है। तो अभी हमने देखिए 3 से 4 घंटा हो चुका है, तो अभी हमें इसे धोकर फिर से छान लेना है। पानी बिल्कुल नहीं इसमें रहना चाहिए। तो अभी मिक्सर जार में डालकर 1-2 से 3 बार बस इसे हल्का सा चलाना है और इसे ज़्यादा बारीक बिल्कुल ही नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे पीसना है। अभी मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच सौंफ, काली मिर्च, जीरा, सूखा लाल मिर्च 3 और धनिया पाउडर। अगर आपके पास साबुत धनिया हो तो यहाँ पर वही लीजिए। अभी इन मसालों को दरदरा सा पीस लीजिए इस तरह से। तो अभी मैंने एक बर्तन में लिया है मैदा और इसे छान लिया है। नमक, अजवाइन, और अजवाइन को हमें हाथों से इस तरह से क्रश करके डालना है। घी हमने यहाँ पर 3 चम्मच लिया है, हम थोड़ा थोड़ा ही अभी घी डालेंगे और हाथों से अच्छे से इसे इस तरह से मिलाकर हमने चेक कर लेना है कि मोयन बराबर है कि नहीं। तो अगर इस तरह से बंधने लगे तो आपका मोयन परफेक्ट है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। तो इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हमारा डो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो 20 मिनट के लिए इसे कवर करके हम रख देंगे। तो अभी गैस को किया ऑन और कढ़ाही गर्म होने के लिए रखा। जब कढ़ाही गर्म हो जाए तो इसमें डालिए तेल, और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें डालना है पिसा हुआ मसाला। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हमें इस तरह से इसे चलाते हुए भून लेना है। अभी मैंने यहाँ पर डाला हींग और ग्रेट किया हुआ अदरक और इसे भी हमने भून लेना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 भर के चम्मच बेसन। तो इसे इस तरह से चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखना है। बेसन डालने से मूंग दाल की कचौड़ी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और ये बाइंडिंग का भी काम करता है। तो देखिए बेसन अभी यहाँ पर भूनने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ मूंग दाल। तो हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है। तो अभी ये गया मूंग दाल, तो अभी इसे भी हमें मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसे चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर भी मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो अभी देखिए ये भूनने लगा है, तो चलिए मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी। तो हमने यहाँ पर डाला कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाला हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर हमने डाला गरम मसाला, 1 चम्मच भर के चाट मसाला हमने यहाँ पर डाला है, थोड़ा सा काला नमक और रेगुलर नमक स्वाद अनुसार, और कसूरी मेथी भी हमने साथ में डाला। अभी इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है और इस तरह से चलाते हुए हमें इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो देखिए अभी मूंग दाल कचौड़ी का फिलिंग बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी हमें इसे ठंडा कर लेना है। अभी ठंडा होने के बाद हमें इसे इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं ताकि हम जब फिलिंग भरें तो ये इधर उधर फैले ना। अभी 20 मिनट हो चुका है, तो हमें इसे हाथों से इस तरह से मसल लेना है और इसका इस तरह से लोई बना लेना है। जितना ज़रूरत हो उतना ही आप बनाएं और हाथों के बीचों बीच में रखकर इसे इस तरह से हमें गोल आकार देना है। अभी इस तरह से कटोरी का शेप देकर हमें इसमें मूंग दाल भर लेना है और इसी तरह से हमने सभी में मूंग दाल की फिलिंग भरकर रेडी कर लिया है। अभी इसे हल्के हाथों से बिल्कुल इसी तरह से हमें बेल लेना है। ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला ना हो। तेल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें कचौड़ी को तेल में डालना है और इसी तरह से तेल गर्म इतना ही होना चाहिए और इसे अभी इसी तरह से हमें छोड़ देना है। जब कचौड़ी इस तरह से ऊपर आ जाए तो हमें इसे थोड़ा सा पलट देना है। तो इस तरह से हमें हल्के से पलटना है इसे हाथों को बचाते हुए, और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। ज़्यादा तेज आंच पे हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा और ऊपर से लाल हो जाएगा।
तो इसे इस तरह से उलटते पलटते हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो हमारा फुला फुला सा खस्ता मूंग दाल का कचौड़ी देखिए यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे अपने मनपसंद सब्जी, चटनी और गर्म गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मूंग दाल की फीलिंग बच गई हो तो उसे एयरटाइट डब्बे में भरकर फ्रिज में आप 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो कैसा बना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।